ओके सो पहुंच गए हम शिवा महिंद्रा, क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी थी इसलिए मैं रिक्शे से आना पड़ा, ड्राइवर था नहीं घर पे। ठीक है तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं क्या कुछ हुआ है गाड़ी में। मेरी एडवाइज़र से बात हुई थी तो उसने बोला आपकी गाड़ी तैयार है, तो अब देखते हैं अंदर चल के कि भाई कम वारंटी में हुआ है या फिर आधा वारंटी में हुआ है, तो जो भी कुछ है अंदर चल के देखते हैं। और ये है मेरा एडवाइज़र परवेज़, से मेरी बात हुई है तो ये बोल रहा है कि मैं पेपर तैयार कर रहा हूँ आपके। तो मैंने पूछा कि भाई कम वारंटी में हुआ है कैसे हुआ है, तो उसने बोला कि भाई अभी मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ, बिल आया अराउंड 5000 का, तो मैनेजर से बात करके वारंटी या फिर जैसा भी हाफ पे करना जो भी है ये मुझे बताएगा, क्योंकि यार जो सिलेंडर ट्यूब था वो लीक था तो वो वारंटी में ही था, बाकी दूसरा पार्ट वारंटी में शायद ना हो। गाड़ी को पूरा एक वीक लगाया जैसा कि मैनेजर ने बोला था, ये जो पार्ट है इसका ये साहिबाबाद गाज़ियाबाद में ही मिल गया था, लेकिन तब भी एक वीक लगा है गाड़ी को रेडी होने में। और बाकी बिल का देखते हैं क्या कुछ बताता है ये हमें। ठीक है और अब लेते हैं यहाँ से चाबी गाड़ी की, और इसने मेरी गाड़ी पहले ही बाहर निकाल के खड़ी कर दी थी क्योंकि मेरी सुबह से बात हो गई थी तो गाड़ी तैयार थी, तो इसलिए बाहर इसलिए निकाल दी इसने, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ होती है गाड़ी की, सर्विस पर आती रहती हैं तो वहाँ से निकालना मतलब टाइम लग जाता है वहाँ पर, तो अब बाहर खड़ी की हुई है इसने। और कहाँ कीचड़ में खड़ी कर रखी है, हाँ नहीं नहीं जल्दी निकलने के लिए थोड़े, सारा काम वारंटी में हुआ है ना, सारा काम वारंटी में, लगभग 5000 का बिल आया था, 5000 का कुछ का बिल था लेकिन वारंटी में कराया, वारंटी में हुआ सारा काम, टाइम तो लगाया लेकिन हो गया काम, नहीं बिल्कुल सर काम तो हुआ लेकिन अच्छा काम हुआ। हाँ सही हुआ, आप एक बार देख सकते हैं चला के, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी एनी टाइम। ठीक है भाई शुक्रिया परवेज भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। तो गाड़ी अभी आ गई है मेरे फिर से वापस और इसमें काम हो गया है, 5000 का बिल था जो कि वारंटी में काम हुआ है। ठीक है एक भी रुपया मुझे देना नहीं पड़ा है, लेकिन गाड़ी का काम फ्री में हुआ है, बढ़िया हो गई अब गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ता लगा था जैसे कि मैनेजर ने बोला था उस टाइम पे, तो एक ही हफ्ता लगा है पूरा गाड़ी को मिलने में, लेकिन काम हो गया है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी कल से मैं गाड़ी को चला रहा हूँ और इसकी ब्रेकिंग एकदम बढ़िया हो गई है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, जैसी थी वैसी ही हो गई है वापस, तो काम तो बढ़िया करके दिया है लेकिन थोड़ा टाइम लगा है बस इतना है। ठीक है ओके गाइस, तो गाड़ी हो गई अब सेट। ठीक है अब चलते हैं किसी रेस्टोरेंट कुछ खाने पीने के लिए, और जहां हम अभी जाने वाले हैं वो है बर्कोस, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो वहां नूडल्स और मोमोज या जो भी वहां का स्पेशल होगा ड्रिंक वगैरह वो लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है बने रहो वीडियो में और अब वहां चल के करते हैं। तो ये है चिकन चिली गार्लिक नूडल्स जो कि काफ़ी टेस्टी है, बाकी मेरे को पसंद है हाको नूडल्स, ये फ्रेश होगा और ये बहुत टेस्टी है। अब चलते हैं यहाँ से बस। ओके गाइस तो मैं हूँ अभी बर्कोस के ओपन एरिया में, ठीक है आउटडोर में खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो कुछ ऐसा रहा है कि खाना कुछ ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा नहीं है, बाकी अगर बात करें यहाँ के एम्बियंस की तो वो ठीक था जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा। और भाई ये है वीडियो का एंड, ठीक है इसमें गाड़ी की भी बात हो गई और रेस्टोरेंट का भी हो गया, तो व्लॉगिंग मतलब कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई अभी मैं कहीं जाता रहता हूँ तो मैं सोचा कि यार व्लॉगिंग करता रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है ना, तो कमेंट करो और बताओ भाई कि ये भी करना चाहिए या फिर सिर्फ गाड़ी की ही रहनी चाहिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।